अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। अपने विवादित बयानों की वजह से बीते कई दिनों से पूरे देश की मीडिया में छाए त्रिपुरा के सीएम बिप्लव देव से पीएम मोदी खासा खतफा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने 2 मई को उन्हें दिल्ली तलब किया है। खबरों की माने तो पीएम बिप्लव देव को सीएम पद से हटा भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा के सीएम का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे एक धमकी के अंदाज में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार में कोई दखल देगा तो वे उसके नाखून नोच लेंगे। वीडियो में बिप्लव देव कह रहे हैं कि जब कोई वेंडर सुबह 9 बजे बाजार में लौकी लाता है तो लोग नाखून लगाकर चेक करते हैं कि ताजी है या नहीं। लोग इतने नाखून मारते हैं कि रात 8 बजे तक वह लौकी बेचने के काबिल नहीं रहती। अंत में वेंडर को उसे किसी गाय को खिलाना पड़ता है। नाखून मारने वाले का नाखून नोच देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ठीक इसी तरह लोग सरकार को लेते हैं, सोचते हैं कि सरकार है तो इसे लूटो। लोग सरकार में भी नाखून मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे नाखूनों को नोच देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार सत्ता की नहीं है, यह सरकार बिप्लव देव की नहीं है, सरकार जनता की है, पब्लिक की है। मेरी सरकार में जो दखल देगा, जो परेशानी खड़ी करेगा, उसके नाखून को नोच देना चाहिए। आपको बता दें कि बिप्लव देव शपथ लेने के बाद से ही लगातार अपने विवादित बयानों से राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बयानों से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नाराज बताया जाता है। बिप्लव इससे पहले महाभारत काल में इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम होने का दावा भी कर चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई थी। इसके बाद युवाओं को नौकरी के लिए नेताओं के पीछे दौड़ने की जगह पान बेचने और गाय पालने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, विश्व सुंदरी डायना हेडेन की सुंदरता पर भी सवाल उठाकर बिप्लव देव विवादों में घिर चुके हैं।